गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग हिंदी व्याकरण से संबंधित अलंकार के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पूर्व की वीडियो में देखा कि अर्थालंकार यानी अर्थालंकार और शब्दालंकार और उभयालंकार यानी अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार जो प्रतियोगी परीक्षा में दो से ही पूछा जाता है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। इसके पहले हम लोगों ने देखा, उसके बाद अब हम लोग शब्दालंकार के बारे में देख चुका है। शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति आता है, जबकि अर्थालंकार के अंतर्गत आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं तो हम लोगों ने देखा कि जहां अर्थ की बात हो यानी उसको अर्थालंकार कर, जिन अलंकारों इनको चिन्हित हम लोग अर्थ के आधार पर करते हैं उसको अर्थालंकार के नाम से हम लोग जानते हैं, और जहां शब्द के आधार पर अलंकारों को चिन्हित करते हैं उसको शब्द अलंकार कहते हैं। तो अर्थालंकार भी जो है वो सात तरह के होता है, अर्थालंकार भी सात प्रकार के होता है, जिनमें से पांच को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। यानी सातों प्रकार में से पांच जो है मुख्यतः प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, जिसमें उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, अतिशयोक्ति है और इसके अलावा विरोधाभास है, असंगति है, मानवीकरण है। ये सारे हम लोगों को अलंकार पढ़ने हैं, जिसमें उपमा किसको कहेंगे तो उपमा में सा से सी लगा हो, जिस उपमा में क्या लगा हो, सा से सी लगा हो और उस सा से सी लगा हो उसमें हम लोग उपमा अलंकार के नाम से जानते हैं। ये चांद सा चेहरा, ये झील सी नीली आंखें, यानी इस तरह के वाक्यों में यदि सा से सी लगा हो तो हम लोगों को उपमा अलंकार के नाम से हम लोग उसको ध्यान में रखेंगे। उपमा अलंकार क्या होता है, जैसे हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से या पड़ी थी बिजली सी विकराल, पड़ी थी बिजली सी विकराल, सी आ रहा है हरिपद कोमल कमल से, सी आ रहा है सा से सी, यानी उपमा अलंकार में सा से सी यदि आए तो उसको हम लोग क्या समझेंगे, उपमा अलंकार समझेंगे। उपमा अलंकार में सीधे सीधे ये बताया गया है कि जैसे सागर सा गंभीर हृदय हो, सागर सा गंभीर हृदय हो, यहाँ भी सा आ रहा है, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, गिरी सा यानी जिसका पहाड़ की तरह ऊंचा मन हो, तो गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन यानी सादृश्य के कारण, सादृश्य के कारण भिन्न होते हुए भी एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी वस्तु या प्राणी से की जाए। उपमा अलंकार में क्या होता है कि सादृश्य यानी समानता के कारण एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी वस्तु या प्राणी से की जाती है तो उसी को हम लोग उपमा अलंकार कहते हैं। यानी उपमा अलंकार में का एक पहचान यह है कि सा से सी लगा हो और एक वस्तु या एक प्राणी का दूसरे वस्तु या दूसरे प्राणी से क्या किया जाए, प्राणी से भिन्न होते हुए भी उससे उसकी तुलना की जाए, क्या की जाए, तुलना की जाए। जैसे सागर और गिरी, सागर और गिरी क्या है, उपमान है, और मन और हृदय क्या है, उपमेय है। जैसे इस तरह से अगर उपमेय का उपमान से यानी
उपमेय का उपमान से यदि तुलना किया जाए तो उसी को हम लोग उपमा अलंकार कहते हैं, जिसमें सा से सी आदि लगा रहता है। अब आइए हम लोग देखते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार उस अलंकार को कहते हैं जहां उपमेय पर उपमान का आरोप, उपमेय पर उपमान का आरोप अभेद हो, जहां उपमेय में उपमान का आरोप अभेद हो वहां रूपक अलंकार होता है। और रूपक अलंकार के लिए तीन बातों का होना जरूरी है। जैसे पहला है कि उपमेय के उपमान का रूप देना, उपमेय को उपमान का रूप देना। उपमेय का मतलब, उपमेय का मतलब जैसे अंबर हुआ, तारा हुआ, उषा हुआ, उपमेय हो गया। उपमान का मतलब क्या हुआ कि जैसे पनघट हुआ, घट हुआ, नागर हुआ, ये सब उपमान हुआ। तो यहाँ कह रहा है कि उपमेय की उपमान का रूप देना। और दूसरा वाचक पद का लोप होना, यानी वाचक पद का लोप होना चाहिए। और तीसरा है कि उपमेय का साथ साथ वर्णन हो, यानी दोनों का वर्णन एक साथ ही होता है। यानी तीन बातें होनी जरूरी है। आइए और कुछ बातें देखते हैं कि जहां उपमान में उपमेय, जहां उपमान में उपमेय हो, जैसे उदित उदय गिरी मंच पर, उदित उदय गिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, उदित उदय गिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। यहां देखिए दोनों साथ साथ हो रहा है, उदित उदय गिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज वन हर्षे लोप ग्रिंग। यानी इसमें योजक चिन्ह, इसमें योजक चिन्ह का लोप हो, योजक चिन्ह जैसे मैया मैं तो चंद खिलौनो ले हूं, मैया मैं तो चंद खिलौनो, चंद के बगल, चंद और खिलौना के बीच में क्या है, योजक चिन्ह है। चरण कमल बंदो हरिराई, यहां भी देखिए चरण कमल बंदो हरिराई, यहां में भी योजक चिन्ह है। इसके अलावा बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट, अंबर डैश पनघट में डूबो रही, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। यानी हमने बताया कि बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही, यहाँ अंबर क्या है उपमेय है, तारा क्या है उपमेय है, उषा क्या है उपमेय है, और उपमान क्या है पनघट है, घट है, नागर है, नागरी है। तो जहां उपमेय में उपमान का रूप दिया, उपमेय में क्या दिया जाए, उपमान का रूप दिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। और ये प्रश्न में अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, उसके बाद मैया मैं तो चंद खिलौनो ले हूं, उसके बाद चरण कमल बंदो हरिराई, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी। यानी रूपक अलंकार के बारे में हम लोगों ने देखा कि यहाँ उपमेय में उपमान का अभेद हो और उसमें तीन बातों का होना जरूरी है, उपमेय को उपमान का रूप दिया जाए, वाचक पद का लोप हो जाए, उपमेय का साथ साथ वर्णन हो, उपमेय का साथ साथ भी वर्णन हो, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसके अलावा ये उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है कि मनु मानो जनु जानो, मनु मानो जनु जानो इत्यादि शब्दों का प्रयोग हो और प्लस प्रयोग हो और पंक्ति में ज्यों त्यों मनु मानो जनु जानो इत्यादि हो। जैसे सिर फट गया उसका वही मानो मानो रंग घरा हो, अरुण रंग घरा हो, कह रहा है कि सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग घरा हो, घरा हो, यानी उसका सिर फट गया है और लाल रंग से जैसे मान लो कि घरा जैसे भरा रहता है, उस तरह से उसका सिर जो है मैं खून जो है गिर रहा है, बह रहा है सिर फट जाने पर,
तो मानो जानो इत्यादि शब्द जहाँ लगा रहे वहां पर हम लोग तो यह समझना है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे सोहन ओढ़े पीठ पत पीत पट श्याम सलोने गात, यानी सोहन ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर आतप परयो प्रभात। यहाँ देखिए मनहु आया है, नीलमणि के पहले मनहु आया, सोहन ओढ़े पीट पर श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आपत परयो प्रभात। यानी यहाँ पर मनहु शब्द का प्रयोग किया। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि उत्प्रेक्षा अलंकार को हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं और ये काफी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। तो इससे संबंधित कौन कौन से हैं, तो सोहन ओढ़े पीट पट श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि शैल पर आता परयो प्रभात। या फिर इस पंक्ति को देखें कि सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घरा हो, ये भी एक पंक्ति हो सकती है। अब आइए अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का मतलब जो है मर की दीवार कुछ भी नहीं। कहते हैं कि अतिशयोक्ति है कि हनुमान की पूछ में लगा न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। इसमें बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर यदि बात को कहा जाए, यानी किसी बात को खूब बड़ा कहकर कहा जाए, तो वहां क्या कौन सा अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार है। देखिए जैसे कि इस पंक्ति में बढ़ा चढ़ा कर कहा गया कि हनुमान की पूछ में, हनुमान जी के पूछ में लगा न पाई आग, पूरी तरह से आग हनुमान जी को नहीं जला पाए और लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग, और सारी लंका जल गई। तो इसमें और सभी राक्षस जो है उसमें भाग गए, दूर हो गए। तो ये बात जो है कितनी मतलब बढ़ा चढ़ा कर कही गई है, इसी को कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। आइए हम लोग देखते हैं कि इसके अलावा भी देख सकते हैं कि देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन जा रही। साकेत नगरी अब स्वर्ग से मिलने कहाँ जा रही है, गगन से स्वर्ग में मिलने जा रही है। यानी देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, यानी गगन से यानी जमीन से स्वर्ग में मिलने के लिए साकेत नगरी जा रही है। किसी बात को कितना बढ़ा चढ़ा कर कहा जा रहा है, यह है अतिशयोक्ति अलंकार। देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। उसके बाद आइए देखते हैं मानवीकरण। कई कई बार बिल्कुल प्रकृति की तुलना मानव से कर देते हैं, तो उसमें मानवीकरण अलंकार देखने को मिलता है। जैसे जहाँ निर्जीव या प्राकृतिक पदार्थों को मानव के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो वहां कौन सा अलंकार होगा, मानवीकरण अलंकार होगा। मानवीकरण अलंकार जो है जैसे सागर के ऊपर नाच नाच करती है लहरें मधुर गान, सागर के ऊपर नाच नाच कर करती है लहरें मधुर गान, यानी लहरों के ऊपर नाचने वाली बात जो है और मधुर गीत सुनाती है। ये बिल्कुल क्या कोई सागर के लहर पर नाच सकता है, बिल्कुल वैसे ही कवि के एक भाव है और उसको मनुष्य के ऊपर आरोपित किया गया है प्रकृति को। तो इसलिए उसमें मानवीकरण अलंकार है। सागर के ऊपर नाच नाच करती है लहरें मधुर गान, मेघ आए बने बंठन के स्वर में, कह रहे कि मेघ आए बने बंठन के स्वर के स्वर स्वर के स्वर के, यानी मेघ बन आए हैं बंठन के, यानी इस तरह से जो क्या मेघ कभी बंठन करा सकते हैं, जैसे मनुष्य बंठन कराता है या मनुष्य बंठन का कोई काम करता है, इसी को कहा गया है मानवीकरण। यानी मानवीकरण से ऐसा है कि जब प्रकृति को बिल्कुल मनुष्य की तरह उसकी ये लीला को उसके जो क्रियाकलाप को बिल्कुल प्रकृति के साथ आरोपित कर दिया जाए तो वहां कौन सा अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार है। जैसे असंगति अलंकार क्या होता है,
और संगति अलंकार होता है कि जहाँ कारण 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 कहते हैं और उसका कार्य कहीं और हो वहां संगति अलंकार होता है, यानी कार्य कहीं और कारण कहीं और हो, इसके बाद जो इसमें कारण का होना कहीं और कार्य का होना कहीं और वर्णित हो, उसमें कौन सा अलंकार होता है? असंगति अलंकार होता है। असंगति अलंकार में क्या होता है कि जैसे हृदय धान मेरे पीर रघुवर के, यानी हृदय धरन मेरे पीर रघुवर के, हृदय धरन मेरे पीर रघुवर के, लक्ष्मण के बाण लगने पर लक्ष्मण से ज्यादा दर्द राम को हो रहा था। कि बाण हृदय धान मेरे पीर रघुवर के, यानी लक्ष्मण के बाण लगने से लक्ष्मण से ज्यादा दर्द राम जी को हो रहा था। विरोधाभास अलंकार, ऐसा अलंकार जिसमें दो विरोधी चीजों को एक साथ दिखाया जाए वहां विरोधाभास अलंकार है। जैसे शारी बीच नारी है, और असंगति अलंकार में कई बार हमको यह देखने को मिलता है, जैसे विरोधाभास अलंकार क्या होता है, ऐसा अलंकार जिसमें दो विरोधी चीजों को एक साथ दिखाया गया वहां विरोधाभास अलंकार है। सुलगी अनुराग की आग वहां जल से भरपूर तरंग तरंग जहां, यानी सुलगी अनुराग की आग वहां, यानी अनुराग की आग वहां सुलगती है जहां जल से भरपूर तालाब हो, यानी अनुराग की आग जल से भरे तालाब से जल परी है, यानी आग और पानी विरोधी है फिर भी साथ साथ चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। और विरोधाभास अलंकार आगे चित की गति समझे कोई नाई, जिंजे बुरे श्याम रंग तेते उज्जवल हुई, या अनुरागी चित की गति समझे कोई नहीं, जिंजे बुरे श्याम रंग तेते उज्जवल हुई, क्या कोई श्याम रंग में डूबने के बाद उज्जवल हो सकता है? लेकिन यहाँ इस पंक्ति में गोपिया जो है कृष्ण के प्रेम, जो श्यामले कृष्ण के प्रेम में अनुरागी है, वे दिन पर दिन निखरती जा रही है, उज्जवल होती जा रही है। तो यहाँ इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार हमको देखने को मिलती है। या अनुरागी चित की गति समझे कोई ना ही, ज्यों ज्यों बुरे श्याम रंग तेते उज्जवल हुए, यानी यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि यह विरोधाभास अलंकार है। धन्यवाद।